हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का 2023 का जो फिजिक्स का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसी सॉल्यूशन को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसका बी पार्ट क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम, हम एक पार्टिकल मान रहे हैं जिसका मास एम है, चार्ज क्या है क्यू है, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, जो किस में मूव कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल में। अज्यूम इट इज़ प्लेस्ड इन ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई काम कर रही है। द हैमिल्टोनियन ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन बाय पी स्केयर बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर माइनस क्यू ई इंटू एक्स। तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, उसकी वजह से हैमिल्टोनियन में कौन सी टर्म अराइज हो रही है, माइनस क्यू ई इंटू एक्स। ये बेसिकली पर्टर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है, ये पर्टर्ब टर्म है। तो इसकी वजह से एनर्जी, आइगन वैल्यूज़ पे क्या इफेक्ट होगा और वेव फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, हमें वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या है, ऑब्टेन द एनर्जी एक्सप्रेशन एंड द वेव फंक्शन ऑफ द nth एक्साइटेड स्टेट ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी निकालनी है हमें, वेव फंक्शन निकालना है, nth एक्साइटेड स्टेट का निकालना है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं एनर्जी एक्सप्रेशन मैं निकालने जा रही हूँ। हैमिल्टोनियन क्या है, पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। यहाँ से तो आपको जनरलाइज्ड वैल्यू पता है, जब पर्टर्बेशन थ्योरी काम नहीं करी है यानी कोई भी पर्टर्ब टर्म नहीं है तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है एनर्जी स्टेट की, आपको अच्छे से पता है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। लेकिन हमें इस टर्म के साथ टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये मैं दो मेथड से सोल्व करने जा रही हूँ। फर्स्ट मेथड मैंने क्या किया है, पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर में कॉमन निकाल रही हूँ इन दोनों टर्म्स से। एक्स स्केयर रह गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2 क्यू ई बाई एम ओमेगा स्केयर एक्स हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर, ये मेरे पास एक्स स्केयर है, ये है माइनस 2 क्यू ई एक्स बाई एम ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे एक टर्म ऐड कीजिए, इसको हम परफेक्ट स्केयर बनाना चाहेंगे और जनरलाइज इसी फॉर्म में ले आएंगे, वेरिएबल अलग होगा। तो मैंने इसमें ऐड क्या किया, इसका हाफ ले लिया एक टाइप से, क्यू ई बाई एम ओमेगा स्केयर का, उसका होल स्केयर कर दिया, प्लस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई एम स्केयर ओमेगा 4 माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई एम स्केयर ओमेगा 4, इट बिकम्स पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर। और ये क्या बन गया मेरे पास टर्म, ये बन गया एक्स स्केयर, इसको मैं साथ में रख लूँ, प्लस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई एम स्केयर ओमेगा 4 माइनस इस टर्म को रख लूँ 2 क्यू ई एक्स बाई एम ओमेगा स्केयर। और जो मेरे पास एक टर्म बची है, ये टर्म कौन सी रह गई, ये वाली, इसको मैंने अलग से सेपरेट लिख लिया, माइनस हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू क्यू स्केयर ई स्केयर बाई एम स्केयर ओमेगा 4, इट बिकम्स पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर। लेट अस से दिस वन इज आवर वाई स्केयर, दिस वन वाई स्केयर माइनस ये क्या बन गया क्यू स्केयर ई स्केयर बाई 2, एक m से एक m कैंसिल आउट, ओमेगा स्केयर ओमेगा 4 से ओमेगा स्केयर कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास रह गया माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई 2m ओमेगा स्केयर, वेयर y इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू ई बाई एम ओमेगा स्केयर। ये y स्केयर जो है ये टोटल इसका स्केयर है, x माइनस क्यू ई बाई एम ओमेगा स्केयर। आगे देखते हैं, यहाँ से क्या आ गया, h इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर y स्केयर माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई 2m ओमेगा स्केयर, वेयर y इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू ई बाई एम ओमेगा स्केयर। तो यहाँ से मैं इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना चाहूँगी, ये जस्ट मेरे पास nth टर्म से क्या बन गई, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई 2m ओमेगा स्केयर, ये मेरे पास nth स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। इसका मैं दूसरा मेथड भी अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दूसरे कैसे निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ से इसका सेकंड मेथड है, ये हैमिल्टोनियन है पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर माइनस क्यू ई एक्स, ये पर्टर्ब टर्म है, एच डैस इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू एक्स। यहाँ से मेरी आ रही है एनर्जी आइगन वैल्यू n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि हमें पता है हैमिल्टोनियन को n एक्साइटेड स्टेट पे लगाऊंगी तो मैं nth वैल्यू देगा, लेकिन मुझे निकालनी है एच डैस। आपको पता है पर्टर्बेशन थ्योरी से हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल सकते हैं एनर्जी में, जिसको ऐड कर देंगे इसमें जो हमारी ओरिजिनल हैमिल्टोनियन से एनर्जी आई है, और या सेकेंड ऑर्डर से। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालना चाह रही हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एन एस स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर मैंने दिखाया है सुपरस्क्रिप्ट में, एन एच डैस एन, एन की एच डैस क्या है मेरे पास, माइनस क्यू ई एक्स एन। हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमारे पास एम एक्स एन का क्या फॉर्मूला होता है, यानी ये एच क्रो एक्स क्या होता है, आपके पास ऑपरेटर एच क्रोस बाई 2m ओमेगा ए प्लस ए डैस ए डैगर।
तो जब मैं ए को एन पे लगाऊंगी तो ये देगा रूट एन डेल्टा एम, यही होती है वैल्यू। ए एन को मैं लगाऊंगी अगर यहाँ, तो ये वैल्यू देगा रूट एन, स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एन माइनस वन में। इसी तरह से ए डेगर मेरे पास क्या देने वाला है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए डेगर, ये देगा एन प्लस वन और एन प्लस वन। इस चीज़ को मैं यहाँ इंप्लीमेंट करने जा रही हूँ, एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा एम, यानी ए ने किया उसको चेंज रूट एन एन माइनस वन रूट एन, और ये हमारे पास एम ऑलरेडी स्टेट है, यही बन रहा है ना एम ए एन, और प्लस एम ए डैगर सॉरी एम ए डैगर एन। तो ये अगर रूट एन डेल्टा एम एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन डेल्टा एम एन प्लस वन, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। आपको पता है ये डेल्टा फंक्शन कब वन वैल्यू देगा, जब मेरे पास या तो एम एन माइनस वन होगा या एम एन प्लस वन होगा, अदरवाइज जीरो। लेकिन जो ये वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ तो मेरे एम क्या हैं, एम इक्वल टू एन है, तो इस केस में ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जब मैं सेकंड में रखूँगी तो मेरी ई एन वन क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आइगन वैल्यू जीरो, तो ये क्या आ जाएगी, यस इट बिकम्स एन एक्स एन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी क्या आ गई, जीरो। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी फिर कैलकुलेट करनी है, क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन एम एच डैस एन होल स्क्वायर ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। तो ये वैल्यू आपको पता है, या तो ये एम एन माइनस वन पे वैल्यू दे रहा है मुझे या एन प्लस वन पे। तो इसके फॉर्मूले में ही एम इज़ नॉट इक्वल टू एन पॉसिबल है, वहाँ तो दोनों ही एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए। तो मैं अगर अपनी थर्ड इक्वेशन उठाऊँ, जो मेरे पास ये था दिस वन, थर्ड इक्वेशन से यही फॉर्मूला, एम एक्स एन की वैल्यू मैंने फिर से लिखी एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा रूट एन डेल्टा एम एन माइनस वन और रूट एन प्लस वन डेल्टा एम एन प्लस वन लिख दी मैंने थर्ड। यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो एक बार एम को एन माइनस वन ले लो, एक बार एम को एन प्लस वन ले लो, तभी वैल्यू मेरे पास नॉन जीरो आ जाएगी। तो कैसे सोल्व किया है मैंने इसको, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है n माइनस वन ए प्लस ए डैगर x की वैल्यू है। जब a रूट एन एन माइनस वन होगा तो उस केस में मेरा a ऑपरेट करेगा और a डैगर इसको क्या कर देगा, n प्लस वन में। तो ये मैं अगर यहाँ पे a मैंने ऑपरेट किया, वो वाली टर्म आ रही है रूट एन डेल्टा n माइनस वन एन माइनस वन, ये इक्वल हो गया रूट एन आ गया। और जब मेरे पास ये वैल्यू है ए डैगर ने ऑपरेट किया है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ रही है रूट एन प्लस वन डेल्टा एन प्लस वन एन प्लस वन। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा होल स्केयर स्केयर रूट क्यू स्केयर ई स्केयर, ये एन माइनस वन एक्स एन मोड स्केयर ई एन माइनस वन, प्लस ये आ रहा है एन प्लस वन एक्स एन मोड स्केयर ई एन माइनस ई एन प्लस वन। ये वैल्यू आ गई एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा क्यू स्केयर ई स्केयर, यहाँ से रूट एन वैल्यू दे रहे हैं ना, ये रूट एन वैल्यू दे रहा है ये रहा, इसका मैं होल स्केयर कर दूं तो ये आ गया एन और ई एन माइनस वन। ये वैल्यू आप देख सकते हैं एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस एन की जगह एन माइनस वन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा इट बिकम्स एच क्रॉस ओमेगा। सिमिलरली ई एन माइनस ई एन प्लस वन एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस एन प्लस वन एन की जगह प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा इट बिकम्स माइनस एच क्रॉस ओमेगा। मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है एन बाई एच क्रॉस ओमेगा प्लस एन प्लस वन बाई माइनस एच क्रॉस ओमेगा इट बिकम्स, ये आ गया मेरे पास एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा और क्यू स्केयर ई स्केयर, ये आ रहा है एन माइनस एलसीएम लिया है मैंने एन माइनस वन एन से एन कैंसिल आउट इट बिकम्स माइनस साइन आ गया से एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा इंटू वन बाई एच क्रॉस ओमेगा इंटू क्यू स्केयर ई स्केयर एंड इट बिकम्स माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई टू एम ओमेगा स्केयर। टोटल एनर्जी मेरे पास क्या बन गई, ये ई एन नोट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सॉरी जो जनरल एन तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट है कौन सा है, तो जनरल आ रही थी एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जब कोई पर्टर्बेशन टर्म काम नहीं कर रही, ई एन प्लस वन मेरे पास जीरो, ई एन टू की वैल्यू माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई टू एम ओमेगा स्केयर इट बिकम्स एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस क्यू स्केयर ई स्केयर बाई टू एम ओमेगा स्केयर। आगे देखते हैं एक्साइटेड स्टेट की, यस वेव फंक्शन एन एथ एक्साइटेड स्टेट का एन क्या है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एम एच डैस एन बाई ई एन माइनस ई एम एम, ये एम क्या इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है एच डैस की वैल्यू मेरे पास थी माइनस क्यू ई एक्स, एक्स मुझे नॉन जीरो वैल्यू तभी देगा या तो एम एन माइनस वन हो या एन प्लस वन हो, तो वैल्यू लगाइए माइनस क्यू ई इंटू एक्स, यहाँ से कॉमन आ गया क्यू ई इंटू एक्स से एच डैस जो है, तो ये मेरे पास एन स्टेट की वैल्यू क्या आ गई माइनस क्यू ई, ये एम एन माइनस वन एक्स एन
और ये m क्या है, यहाँ पे n माइनस वन है, तो ई एन माइनस ई एन माइनस वन प्लस, जो बच्चा तैयारी कर रहा है आई थिंक ये स्टेप तो उसको ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ समझ ही आ रहा होगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। m की जगह n प्लस वन एक्स एन एन प्लस वन ई एन माइनस ई एन प्लस वन, जस्ट m की जगह n माइनस वन रख रही हूँ और n प्लस वन रख रही हूँ। x की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा ए प्लस ए डैगर, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस क्यू ई, और ये x के अंदर था एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, जब मैंने यहाँ पे a लगाया तो रूट एन एन माइनस वन दे दी इसने, और जो कि वन वैल्यू आ गई होगी यहाँ से डेल्टा एन माइनस वन एन माइनस वन, और ये रह गया एन माइनस वन बाई एच क्रॉस ओमेगा, प्लस यहाँ से इसने दी होगी रूट एन प्लस वन एन प्लस वन माइनस एच क्रॉस ओमेगा, अभी ये काम कर चुके एंड इट बिकम एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा माइनस क्यू ई बाई एच क्रॉस ओमेगा, ये आ गया रूट एन एन माइनस वन, इसको मैंने बाहर ले लिया है यहाँ से माइनस साइन रूट एन प्लस वन एन प्लस वन। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन था आपका आई थिंक बी पार्ट था फर्स्ट का, जो कि कंपलसरी होता है यूपीएससी का 2023 का, और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इस तरह से मैंने सोल्व कर दिया है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने यूज़फुल लेक्चर हैं यूपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स होने वाला है उसके बाद मेंस के लिए, आई होप ये यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।